नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बॉलीवुड और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। बॉलीवुड इंडस्ट्री में कोई एक्टर या एक्ट्रेस चर्चा में हो या ना हो, पर कंगना रनौत हमेशा चर्चा में छाई रहती हैं। दरअसल आपको बता दें कि अभिनेत्री हमेशा विवादित बयान देती रहती हैं और सुर्खियों में छाई रहती हैं। आपको बता दें कि कंगना रनौत तो अभिनेत्री हैं, लेकिन इस साल 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें बीजेपी ने मंडी से टिकट दे दिया और अभिनेत्री मंडी से जीत कर सांसद बन गई। सांसद बनने के बाद ये और चर्चा में छा गई। आपको बता दें, कंगना जो भी बयान देती रहती हैं उसमें से कोई ना कोई ऐसा पॉइंट जरूर निकल जाता है जो विवाद का विषय बन जाता है। आपको बता दें, कभी इनके भाषण विवाद बन जाते हैं तो कभी इनकी फिल्म बन जाती है। ये अभिनेत्री कुछ ऐसी फिल्में भी बनाती हैं जो विवाद खड़ा कर देती हैं। दरअसल आपको बता दें कि अभी हाल ही में अभिनेत्री का एक फिल्म बना है जो बनकर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है, लेकिन अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। जी हाँ, वजह है सिर्फ और सिर्फ सिख समुदाय का विरोध प्रदर्शन। जी हाँ, कंगना की फिल्म इमरजेंसी, इस फिल्म को रिलीज ना करने के लिए लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। अब हाल ही में अभिनेत्री ने कुछ ऐसा विवादित बयान दे दिया है जिसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है और अब उसी मुद्दे पर अभिनेत्री ने माफी भी मांगी है। दरअसल आपको बता दें कि एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो शेयर किया है जिसमें अभिनेत्री ये कहते हुए नजर आ रही है कि नमस्ते दोस्तों, पिछले बीते कुछ दिनों में मीडिया ने मुझसे फॉर्मर लॉ के बारे में कुछ सवाल किए थे और मैंने ये सुझाव दिया था कि किसानों को प्रधानमंत्री जी से किसान लॉ वापस लाने का अनुरोध करना चाहिए। मेरी कही इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं। जब किसान अधिनियम लाया गया था तब हम में से कई लोगों ने उसका समर्थन किया था, लेकिन बड़ी ही संवेदनशीलता से और सहानुभूति से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वह लॉ वापस ले लिया और ये हम सभी कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम सभी उनके शब्दों की गरिमा रखें। कंगना आगे कहती हैं कि मुझे यह बात ध्यान रखनी होगी कि मैं एक कलाकार नहीं हूं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता भी हूं और मेरे विचार अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने मेरे विचारों और शब्दों से किसी को निराश किया है तो मुझे खेद रहेगा, मैं मेरे शब्दों को वापस लेना चाहूंगी। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, पिछले बीते कुछ दिनों में मीडिया ने मुझसे फार्मर्स लॉ पे कुछ सवाल किए और मैंने ये सुझाव दिया कि किसानों को फार्मर्स लॉ वापस लाने का प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं और डिसअपॉइंटेड हैं। जब फार्मर्स लॉ प्रपोज हुए थे तो हम बहुत सारे लोगों ने जो है उनका समर्थन किया था, लेकिन बड़ी ही संवेदनशीलता से और सहानुभूति से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो लॉज जो थे वापस ले लिए थे और ये हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखें। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। थैंक यू। बता दें कि कंगना का यह वीडियो आते ही सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो पर लोगों ने जमकर कमेंट्स करने शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें कि कमेंट्स में एक यूजर ने लिखा कि कम से कम कंगना ने अपनी गलती तो मानी, तो वहीं दूसरे यूजर ने लिखा आखिरकार कंगना को माफी मांगनी ही पड़ी, तो वहीं तीसरे यूजर ने ट्रोल करते हुए लिखा ऐसा काम ही क्यों किया कि अब माफी मांगनी पड़ रही है, तो वहीं चौथे ने लिखा कि अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कंगना रनौत ने आखिर ऐसा कौन सा बयान दे दिया है जो इस वक्त चर्चा का विषय बन गया है और उन्हें लेकर काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि कंगना रनौत ने मंडी में एक कार्यक्रम में कहा था कि 3 कृषि कानूनों का विरोध केवल कुछ ही राज्यों में हुआ था। उन्होंने कहा था कि भारत की प्रगति में किसान मजबूती का स्तंभ है और केवल कुछ राज्यों में ही उन्होंने कृषि कानूनों का विरोध किया था। मैं हाथ जोड़कर अपील करती हूं कि किसानों के हित में कृषि कानूनों को वापस लाया जाए। तो इस तरीके से कंगना रनौत ने अपने इस बयान पर हाथ जोड़कर माफी मांगी है। वहीं कंगना की इस माफी मांगने वाले वीडियो पर कुछ लोग उन्हें जमकर ट्रोल भी कर रहे हैं। ऐसे ही तमाम बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को देखने और जानने के लिए देखते रहिए 4 PM बॉलीवुड। धन्यवाद।